आज प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की गर्मजोशी से मुलाकात हुई। 2024 चुनाव को लेकर के क्या कुछ बात हुई इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले 5 महीने पहले हुई थी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 की डिनर पार्टी में दोनों नेता मिले थे। आज एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात हुई है पीएम मोदी की और नीतीश कुमार की। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था, फिर एनडीए में शामिल हुए और इस्तीफा देकर के फिर से सीएम पद की शपथ उन्होंने ले ली थी। आज लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार ने अमित शाह और नड्डा से भी मुलाकात की है। अब बात की आखिर नीतीश का दिल्ली का दौरा, उसके पीछे का एजेंडा क्या है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग पर चर्चा करना एक एजेंडा था और इसके अलावा कैबिनेट के विस्तार को लेकर के चर्चा हुई। जीतन राम मांझी की 2 मंत्रियों की मांग पर भी बातचीत की होगी। एलजेपी, मांझी, कुशवाहा को कितनी सीटें देनी है इस बात पर भी चर्चा हुई होगी। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर के भी बातचीत की होगी, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत पहले से मांगते आए हैं बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस। और इसके अलावा 2024 की सीटों के तालमेल पर बातचीत जरूर हुई होगी। अब बात ये कि बीजेपी को ऐसा क्या था जो नीतीश कुमार के लिए उन्होंने दरवाजे फिर से खोल दिए, क्या उसकी वजह थी। दरअसल 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर लड़े। पहले जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थे, अब बीजेपी की भूमिका बड़े भाई की है। इस बार तो लोकसभा सीटों के बंटवारे में बीजेपी अपनी ही चलाएगी और बंटवारा बराबरी पर तो कतई नहीं होने वाला। 2024 की लोकसभा सीटों के बंटवारे का जो आधार है वो 2020 विधानसभा चुनाव ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं और उसमें भी बीजेपी को ही ज्यादा सीटें मिलेगी। नीतीश कुमार के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं लगती है, बीजेपी अपने हिस्से में सीटों तो ज्यादा रखेगी ही। चिराग और पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी दावा जरूर पेश करेंगे कि हमें भी आप सीट दीजिए, तब इन सभी की हिस्सेदारी नीतीश कुमार के कोटे से ही पूरी की जाएगी। नीतीश कैबिनेट में सम्राट चौधरी की भूमिका महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जैसी है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश है लेकिन ज्यादा मंत्रालय बीजेपी के पास है, सारा मैनेजमेंट बीजेपी देखेगी और इसलिए नीतीश कुमार अब पहले जैसी डील नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार के लिए अब ज्यादा मोल भाव करना भी मुश्किल है, क्योंकि अब उनकी जनता में ही उन्होंने पलटी मार की इमेज बना ली है। वो बीजेपी के साथ अपना अस्तित्व बचाने आए हैं, जहां इतना कॉम्प्रोमाइज तो उन्हें करना ही पड़ेगा। देखिए, आज बिहार में राबड़ी आवास के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक कुर्सी पर बैठा दिखाया गया। दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी बड़ी तस्वीर लगाई गई। नीतीश कुमार के पोस्टर पर लिखा है कि बार बार पलटता हूँ यार, मैं हूँ नीतीश कुमार, जन सेवा नहीं करता हूँ व्यापार, मैं हूँ नीतीश कुमार। दूसरी ओर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं इस पोस्टर में कि मैं तेजस्वी हूँ, बिहार मेरा परिवार, जन जन की सेवा के लिए हमेशा तैयार, 17 साल वाले कुछ नहीं कर सके चमत्कार, मैं तेजस्वी हूँ, बदल दिया मैंने 17 महीने में बिहार, नौकरियों की लगाई अंबार। अभी आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि तेजस्वी और नीतीश कुमार में किसे जनता नकार देती है और कौन जीतेगा फिर से एक बार वहां पर। देखिए, ये तो बात हो गई बिहार की, अब इंडी गठबंधन में क्या हो रहा है। देखिए, इंडी गठबंधन को एक और झटका लगने जा रहा है और ये झटका है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जहां पर इंडी गठबंधन को झटका लगने वाला है। कैसे? इंडी गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी कभी भी एनडीए में शामिल हो सकती है, ये जानकारी मिली है। अगर आप सूत्रों की माने तो बीजेपी और आरएलडी की सीक्रेट डील डन हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इस डील की इनसाइड स्टोरी आपको सुनाते हैं, आखिर ये क्या है। अब सूत्रों की अगर माने तो 8 महीने पहले अमित शाह और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बीजेपी ने आरएलडी को बीजेपी में विलय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आरएलडी ने विलय के प्रस्ताव को मना कर दिया। लेकिन फिर 20 दिन पहले सीनियर केंद्रीय मंत्री की पहल पर डील और आगे बढ़ी और इस बार दोनों में डील बन भी गई। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीट मांगी। बीजेपी ने कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा सीट का उन्हें ऑफर दे दिया है। लेकिन इसके अलावा भी जयंत ने बीजेपी को आगे 2 मांगें उनके सामने रखी है। क्या कुछ है सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी उन मांगों पर भी विचार कर रही है, इसलिए अभी तक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल पूरा ये जो रोडमैप है और पूरा गणित क्या है वो भी आपको समझाते हैं। जयंत ने अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की थी। इसके अलावा जयंत ने उत्तर प्रदेश सरकार में आरएलडी को हिस्सेदारी देने की भी मांग की कि हमारे विधायकों को भी मंत्री बनाया जाए। अब बात की आखिर बीजेपी जयंत को अपने पाले में क्यों उड़ाना चाहती है, उसकी वजह क्या है। दरअसल वेस्ट उत्तर प्रदेश में जाट फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जाटों की जो कुल आबादी है वो है 17%, जिनका 18 लोकसभा सीटों पर असर होगा। 2019 में 91% जाट वोट पड़ा था और बीजेपी की जीत हुई। अगर सीटों की अगर हम बात करें तो मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, इन तमाम इलाकों तक जाट मतदाताओं का असर पूरी तरीके से प्रभावी नजर आता है। और सिर्फ जाटों का असर वेस्ट उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, हरियाणा में भी है। और इसलिए बीजेपी चाहती है कि आरएलडी से गठबंधन किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 27। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, 4 सपा और 4 पर बसपा की जीत हुई। आरएलडी 2014 और 2019 में खाता भी नहीं अपना खोल पाई। 2014 में आरएलडी का 0.9% वोट शेयर रहा। 2019 में 1.7% वोट मिला। 2019 में 3 सीटों पर लड़ी थी चुनाव, तीनों पर दूसरे नंबर पर भी आरएलडी बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कर सकती है मजबूत। जाट वोट बैंक को साधने में होगा फायदा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18% जाट हैं और ये आबादी है। एक मुश्त जाट वोटर्स निर्णायक फैक्टर निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतना चाहती है बीजेपी। मिशन 400 पार में इसका फायदा होगा और यही वजह है कि जयंत चौधरी को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जयंत की बीजेपी में जाने से अखिलेश परेशान है। समाजवादी पार्टी, जहां जयंत चौधरी की पार्टी को 7 सीटें देने वाले थे, वहीं बीजेपी आरएलडी को 4 सीटें दे सकती है। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो ऑफर आरएलडी को दिया था, उसमें 4 सीटों पर सपा के चुनाव चिन्ह पर आरएलडी उम्मीदवार को उतारने की बात कही गई। जयंत चौधरी इस बात से नाराज थे और यही कारण है कि उन्होंने इंडी अलायंस का साथ छोड़ने का मन बना लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और चाचा शिवपाल को अब भी उम्मीद है कि जयंत उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। देखिए, सिर्फ जयंत ही नहीं, बीजेपी और भी छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला रही है ताकि आने वाले लोकसभा में 400 प्लस के लक्ष्य को आराम से बीजेपी हासिल कर सके। महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो वहां भी बीजेपी अपनी मजबूत जीत की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट होने से बीजेपी को सीधा फायदा मिला है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार अलग थलग पड़ गए हैं। अब एक और बड़ी खबर ये है कि राज ठाकरे की पार्टी यानी एमएनएस भी एनडीए के साथ आ सकती है। कल ही एमएनएस के नेताओं ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की। अगर सूत्रों की माने तो एमएनएस नेताओं ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के फडणवीस से चर्चा की। राज ठाकरे ने सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी अपने 3 विश्वस्त नेताओं को सौंपी है। उनकी बीजेपी से बात भी फिलहाल चल रही है, यानी महाराष्ट्र में भी खेला संभव है। महाराष्ट्र में एक और बड़ी हलचल है और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को लगातार झटके लगने के बाद वो भी एनडीए के साथ आने का इस वक्त मन बना रहे हैं। उद्धव खेमा भी नहीं चाहता कि इंडी ब्लॉक के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। 2019 में उसे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से खासा फायदा हुआ और 18 सीटों पर जीत उन्हें हासिल थी। वहीं इंडिया ब्लॉक के नेता उद्धव खेमे को इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इंडी ब्लॉक का कहना है कि उद्धव खेमे के बड़े नेता साथ छोड़ चुके हैं, ऐसे में उनके पास एनडीए के सामने खड़ा करने के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं होंगे और इसीलिए कांग्रेस और उद्धव में सीटों की बात नहीं बन पा रही है। तो वहीं उद्धव फिर से एनडीए में जगह तलाश रहे हैं ताकि अपने वजूद को कहीं ना कहीं वो बचा पाने में सक्षम साबित हो।
2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर के राज्य में सरकार बना ली। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में एनडीए ने 41 सीटों पर कब्जा किया। इसके साथ ही यूपीए को 5 सीटें मिली, बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 सीटें उस वक्त जीती। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में टीडीपी और एनडीए का हिस्सा भी बन सकती है टीडीपी। टीडीपी की एक बार फिर से एनडीए में आने की चर्चाएं इस वक्त तेज है और वो इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर के सहमति बन गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात होगी और इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। और फिर अब आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, 3 सीटें जनसेना के लिए टीडीपी छोड़ सकती है। टीडीपी और जनसेना का फिलहाल गठबंधन वहां पर है। 2014 में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा। 2019 में 25 में से 22 पर वाईएसआर कांग्रेस, 3 पर टीडीपी को जीत हासिल हुई। 2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की 42 सीटों पर उस वक्त चुनाव हुआ। बीजेपी को 3 मिली, कांग्रेस को 2, टीडीपी को 16, टीआरएस को 11 और अन्य को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में इस वक्त लगी हुई है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ रिश्ता टूटने के बाद अब बीजेपी वहां छोटे दलों को साथ लाना चाहती है। केरल में भी बीजेपी की नजरें कई छोटे दलों पर हैं, जिनमें से कुछ के साथ उनका विधानसभा चुनाव में गठबंधन भी हो चुका है। आम चुनाव से पहले बीजेपी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके में बड़ी सेंध लगाई। आज एआईएडीएमके के 15 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इन नेताओं का स्वागत किया है। के अन्नामलाई ने कहा कि ये नेता अनुभव का भंडार लेकर के आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये बड़ी बात है। ये तमिलनाडु जैसे राज्य में मोदी की लोकप्रियता को ही दर्शाता है। तो ये तमाम बातें जो है, ये जो समीकरण है वो बिठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, यानी कहाँ तोड़जोड़ की सियासत बीजेपी कर सकती है वो कोशिश बीजेपी की है पूरी, क्योंकि टारगेट है 400 प्लस का। लेकिन सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार इन दिनों राजनीतिक संकट से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार की खुद की बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी भी हाथ से चली गई। चुनाव आयोग ने शरद पवार के भतीजे अजित पवार के गुट को असली एनसीपी माना है और चुनाव चिन्ह घड़ी देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने 7 महीने पहले शरद पवार का साथ छोड़ दिया था और एनडीए में शामिल हो गए। अजित ने उसी समय चुनाव आयोग को भी पत्र लिख करके एनसीपी पर दावा ठोका था। अजित का कहना था कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, उनका खेमा ही असली एनसीपी है। शरद पवार और अजित के बीच इस राजनीतिक लड़ाई को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को बुलाया और तकरीबन 10 बार सुनवाई की। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों से अपने अधिकारियों को लेकर के सबूत मांगे। आयोग के सामने दोनों की खेमों में विधायक, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों के शपथ पत्र भी सौंपे गए। उसके बाद चुनाव आयोग फैसले पर पहुंचा। चुनाव आयोग ने दोनों खेमों के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन भी जाना। आयोग ने कल 141 पेज का एक फैसला दिया और इसमें कहा गया कि अजित पवार के साथ महाराष्ट्र में 41 विधायक हैं, 5 विधान परिषद, नागालैंड के सभी 7 विधायक, झारखंड से 1 विधायक, लोकसभा के 2 और राज्यसभा के सदस्य ने समर्थन दिया। और इसी तरीके से शरद पवार के समर्थन में महाराष्ट्र के 15 विधायक, 5 विधान परिषद, केरल से 2 विधायक, लोकसभा के 4, राज्यसभा के 3 सदस्यों ने अपने अपने शपथ पत्र सौंपे। हालांकि 1 लोकसभा सदस्य और महाराष्ट्र के 5 विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों ही पक्षों के साथ रहने का शपथ दिया था। शरद पवार गुट को चुनाव आयोग से नया नाम मिल गया है। अब वो एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम से जाने जाएंगे। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से दरअसल 3 नामों की मांग की थी और शरद गुट बरगद के पेड़ को प्रतीक चिन्ह के लिए मांग कर रहे थे। शरद पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद राव पवार नाम चुनाव आयोग के सामने रखा, जिसमें से चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दे दिया है।
लेकिन अब मतदाताओं के लिए महाराष्ट्र में तगड़ी कन्फ्यूजन होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, और ऐसे में पहले उद्धव फिर पवार, विरासत वही वारिस बदल गए हैं। तो अब इस पूरे समीकरण को समझिए, उद्धव ठाकरे के केस में भी ऐसा रहा, अजित पवार और शरद पवार के केस में भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र में 2024 का चुनाव हुआ और ये आगे जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन पुराना सिंबल उनके पास नहीं होगा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब बढ़ सकती है वोटर्स की भी दुविधा। अब तक वोटर्स शरद पवार के लिए घड़ी पर करते आए वोट, लेकिन अब यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ जाएगी। आज महाराष्ट्र में एनसीपी के पास 41 विधायक हैं और शरद पवार के पास मात्र हैं 11 विधायक। मतलब चाचा कमजोर हो रहे हैं और भतीजा मजबूत हो रहा है, ऊपर से पार्टी का निशान भी चला गया। जनता के लिए भी ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये सबसे बड़ा सल्यूशन निकल कर महाराष्ट्र में सामने आ चुका है। तो ये पूरा समीकरण है 2024 को साधने की कोशिश तमाम पार्टियां इस वक्त कर रही है, ये कवायद उनकी तरफ से की जा रही है।